ये लो भाई दोस्तों, एक ये वाली भी पसंद आई है, बड़ा प्यारा कलर है यार, लग रहा है ना मस्त, चमक रहा हूँ भाई मैं, एक नंबर है भाई साहब। शिमला रेड पूछ वाल कदा 200 रुपए किलो, शिमला बजर पोड़ रहा 200 रुपए किलो बाज। अरे चाचा सिरी इतने खतरनाक, उन्होंने उस वाले बस की टिकट ले ली अपनी बस यहाँ लगी है वहाँ की टिकट ले ली, टिकट ले ली जा रहा है सिमड़ी ना यार। अरे गाड़ी झगड़ा सी तो तुम बहुत चाहिए मैनेजमेंट में आ जाओ हम कह छी कह रहा हूँ। अच्छा घालो ठीक ठीक, नवाजुद्दीन सिद्दीकी जैसे यार, याद देखो एक बार मैं कश्मीरी गेट में भी कंफ्यूज हो गया था क्या 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 हाँ क्या। चलो भाई हो गया सब कुछ काम चम, मेरे को बात बात है कम जगह दौड़ काट हम दोस्तों सबसे पहले प्रणाम और सेवा सोली आप सभी को। तो कैसे हैं आप सब, होप सो आप सभी बढ़िया होंगे और मैं भी एकदम मस्त होता। चलिए एक बार फिर से एक नई वीडियो की नई शुरुआत करते हैं, आइए फिर कुछ खास करते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो की शुरुआत जो हो रही है वो हो रही है कोरदार शहर से, और अभी सुबह के 6:57 का टाइम हो रहा है दोस्तों, और रात भर से ना बारिश लगातार लगी पड़ी है भैया। कल तक जिस टाइम तक मैं आया था उस टाइम तक कुछ भी नहीं था, बट रात से ना टन मार के पूरी बारिश पड़ी हुई है और मौसम एकदम बढ़िया हुआ पड़ा है। बाकी दोस्तों आज मुझे गांव भी निकलना है, बट मैंने सुबह ही निकलना था अलार्म भी लगा रखा था हिमगिरी में, बट यार वो अलार्म मैंने सुना ही नहीं, वो पता नहीं क्या हो गया, क्या लगा नहीं होगा या मैंने सुना ही नहीं होगा, पता नहीं क्या हुआ। अब जाऊंगा मैं, लास्ट ऑप्शन है मेरे पास 11 बजे, तो 11 बजे जाती है रोडवेज की बस, तो वही लास्ट ऑप्शन है, उसी में निकलना है। बट विकास स्मार्ट आना चाहिए था स्मार्ट है, हाँ यार कोरदार के पानी में कुछ तो है यार चलो बढ़िया यार। चलो भाई दोस्तों पहले नाश्ता कर लेते हैं फटाफट से, नाश्ता करने के लिए आए हैं मैं, भाई जी हैं और साथ में विकास भाई है, तो फटाफट से नाश्ता करते हैं, इसके बाद चलेंगे सीधा बस अड्डा अपनी गाड़ी देखने के लिए। नाश्ता करना जरूरी है भैया, बिना खाए पिए में इधर उधर जाता नहीं हूँ क्योंकि मेरी हालत ख़राब हो जाती है अगर बिना खाए पिए जाऊँ ना, सर घूमता है फिर घर इधर को और घर इधर को है वहीं घंटे घूमत कब अमल रोड के बता इन औदान से। तो वही अभी थोड़ा सा मार्केट आए हैं, फटाफट से पहले एक आध टी शर्ट ले लेते हैं, 2-4 दिन से मैं एक ही टी शर्ट में घूम रहा हूँ, बाकी देखते हैं अभी पसंद आती है कि नहीं आती। बाकी बस का टाइम भी हो रहा है धीरे धीरे, यहाँ देखो 9:27 हो गए हैं। तो इधर देखो दोस्तों ये वाले टी शर्ट पहनी है, फिलहाल ठीक ठाक लग रहे हैं, यहाँ देखो तुम अद्दा बोलो वाले आजकल ये ट्रेंड चल रखा है ना अद्दा बोलो का, तो ठीक ठाक है उन तो गारम ले जो तो एक अगड़े पूजा पर लग गया तो फिर बराबर हो जाते हिसाब किताब पर। वाह वाह क्या बात है, फ्लैग देखो कितना बढ़िया है, अरे वाह। ये लो भाई दोस्तों एक ये वाली भी पसंद आई है, बड़ा प्यारा कलर है यार, लग रहा है ना मस्त, चमक रहा हूँ भाई मैं, एक नंबर है ना। चलो ये भी ले लिया मैंने, एक टी शर्ट और है ब्लैक वाली वो भी ले लिए, तो भैया आप ऐसा लगा दो कि बिल्कुल जो ये तो 350 की है। अच्छा और वो जो कॉलर वाली GMP की थी वो 400 की, आप पहले भी ले जा रहे हो आपको याद होगा, और एक लोवर हो गया 350 का, 1100 हो गया भैया। ना नहीं ले रहा हूँ। हाँ हाँ चलो भाई दो टी शर्ट पसंद आए दोनों ले लें, थैंक यू भैया, ओके भैया थैंक यू, मिलते हैं अगली बार, धन्यवाद, डिस्काउंट तो तुम लगाना नीचे पर अभी जा रहे हैं क्या बोलते बस अड्डे की तरफ भैया, गाड़ी देख लेते हैं। ये रहा बस अड्डा, कुछ हाल ऐसा है अभी तो भीड़ भाड़ कुछ है भी नहीं, फिलहाल सब्जी वगैरह ले लेते हैं थोड़ी बहुत, क्योंकि भैया बुए की डिमांड है तो वो पूरी करनी है ये देखो भाई सोना है सोना भाई, आजकल इससे परे हैं हम, टमाटर से परे हैं थोड़ा आजकल बाकी थोड़ा बहुत सब्जी ले रहे हैं, देखते हैं अभी बैंगन तो अपने हो रखे हैं, शिमला मिर्च कर दो 1 किलो जरा, बैंगन अपने हैं खेती के, करेले माँ खाती नहीं है, बीन्स की हालत मुझे ठीक लग नहीं रही है, बाकी भिंडी ले लिए हैं, ये ले लिए हैं, पता कोई भी ना यार आजकल में मोमोज नहीं पाणो सो, बैंगन है आजकल वहाँ भाई साहब। शिमला रेट पूछ वाल कदा 200 रुपए किलो, शिमला बजर पोड़ रहा 200 रुपए किलो, भाई साहब 160 रुपए किलो तो टमाटर ची, और शिमला 200 रुपए किलो, भाई साहब कुछ बोलना चाहना था? ना ना बिल्कुल नहीं है? बजर पोड़ा है कुछ ज्यादा कांड लग रही भाई। बाकी दोस्तों सब चीज तो ठीक है यार, पर ना मुझे जो सोच पड़े है ना वो यही पड़े है कि यार शिमला मिर्च देख के यार इतना महंगा, तो यार मैं अपनी किडनी बेचूंगा ना वो भी नहीं जाएगी 200 में, शिमला मिर्च 200 में यार ऐसा भी होता है क्या। चलो भाई दोस्तों छोटा मोटा काम था, छोटा मोटा जो भी सामान था वो सब कुछ ले लिया है, और यहाँ पे मिले हैं भाई साहब, नमस्कार
नमस्कार भाई, कहाँ से आ रहे हैं आप? हमारे हरिद्वार से और जाएंगे हम कंडोली बड़ी। अरे वाह क्या बात है। अभी दोस्तों साथ मिल गया है, चार श्री मिल गए हैं और निकलेंगे अभी। हाँ गाड़ी पे फिलहाल काम चल रहा है, वैसे हमारे साइड की जो गाड़ी होती है उस पर हमेशा काम ही चलता रहता, कभी मिलो ठीक नहीं, देख हमेशा घुच्चे घुच्ची रहने थे, कह कट्टम मिने वे कट्टम मिने वे। बाकी मार्केट देखा, मार्केट फिलहाल खाली हो रहा है, कह बाबा साहब लोगों को गणे मोर मोर ही रहने की कुछ गाड़ी नहीं मिली। आ जाएगा दुनिया भर गाड़ी छी यार, सबर इके बिना पोड़ पड़ी जा सको तुम टन करी। तो वही दोस्तों बस थोड़ा धीरे धीरे करके भर रहे, पर अभी कमी बढ़ रही है। बाकी हमारे चाचा सिरी इतने खतरनाक, उन्होंने उस वाले बस की टिकट ले ली अपनी बस यहाँ लगी है वहाँ की टिकट ले ली, टिकट ले ली जा रहा है सिमड़ी। अरे यार तुम तो पता नहीं चलेगा लगत गए। अरे यार तो 180 रुपए तो ऐसे हो गए, मैं रहा वहाँ पे काफी देर खड़ा रहा कि कोई ले ले, उन्होंने टिकट भी वापस नहीं किया, पर अब क्या करें, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, का काम होना चाहिए कभी, जो होता है सब अच्छे के लिए होता है। अरे वाह योगेश भाई की जय हो, क्या हाल चाल है और सुनाओ था। अरे नहीं कनी कब कनी और घालो जरा यार, और ठीक ठाक लगा था तुम रप 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 न यार। अरे गाड़ी झगड़ा उन तो तुम बहुत चाहिए मैंने जो आ जाओ कैसी कहो। अच्छा घालो ठीक ठीक भाई, 11:30 का टाइम हो गया है और अभी कोई पता नहीं है गाड़ी कब तक चलती है, भैया लगे हैं वेट करने में, सड़ रहे हैं गाड़ी के अंदर, क्या कर सकते हैं, सीट भी नहीं छोड़ सकते, वैसे तो आज सीट छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आज भीड़ चाल नहीं है, जब भीड़ चाल होती है ना तो फिर तब वही हाल होते हैं कि खिड़की वाले सीट बबा नहीं था उल्टी आन खिड़की पर सीट दे दे, दीन पड़े थे दीन पड़े भाई हैं इंसान ने कल दिखाने नहीं दिखाने नहीं दिखाने तब चार आदमी बोली शर्म नहीं रहते थे ही अब शर्म क्या कह रहे हैं जो आदमी 3 घंटा पहले आनो चे छोड़ो मैं नहीं पाया बात समझा दो जाना। चलो भाई दोस्तों थोड़ा थोड़ा गाड़ी सरकने लग गई है, अब जाके थोड़ा सा चैन मिल रहा है भाई, हवा चल रही ना होले होले तब जरा ठीक लग रहा है, नहीं तो गर्मी से मर गए थे इसके अंदर। ना बाटू बताणू ना सम ले के जानू ना वेयू अपाणू बिराणू ना बाटू बताणू ना सम ले के जानू। दोस्तों हमारे दुनिया में ना बहुत सारे चेहरे ऐसे होते हैं कि मिलते जुलते होते हैं, मतलब बहुत सारे चेहरे ऐसे मिल जाते हैं, तो देखो हमारे कंडक्टर साहब का चेहरा देखो तुम, सही नवाजुद्दीन सिद्दीकी जैसे यार, यहाँ देखो एक बार मैं कश्मीरी गेट में भी कंफ्यूज हो गया था, यहाँ देखो भाई जी की स्माइल देखो तुम, सेम टू सेम नहीं लग रहे तो ऐसा होता है कई बार की एक शक्ल के ना बहुत सारे मिलते हैं। यहाँ देखो दोस्तों नदी का पानी देखो, 2-4 दिन से बारिश नहीं हुई है ना, तो नदी का पानी देखो कितना क्लियर कितना साफ हो रखा है। ओ भाई खुल गया मेरी नींद भाई, ओहो कनकांड लग रही है तबश भाई, अरे गाड़ी का कमरा के कंडल बुझे भर है। हाँ देखो ड्राइवर साहब ने गाड़ी यहाँ पर रखी, जैसे कि लोगों का बल पूड़ पर कंडल लगा लिया पूड़ दम लो पल इतना इतना चलो भाई हो गया सब कुछ काम चम, मेरे को बात बलती है कम जगह दौड़ का आइटम ये थोड़े बहुत आइटम दिए हैं बढ़िया वाले, इनको पिएंगे चलेंगे अब घर की तरफ, नींद आनी चाहिए तो बढ़िया ना खट्टर रोक दिया हूँ अब इतना बार नींद आनी नहीं तो आता पका बिल्कुल तुरंत अभी नींद दे। हाँ हाँ ना ना ठीक है जान पहचान जरूर छ क्या हाल है? अरे ठीक ठाक हो भाई, चमक रहे हो यार क्या बात है, किसे देख रहे हो और बताओ सब ठीक ठाक? ओके कुकी क्या है क्या है क्या है क्या है क्या है कुकी है क्या है क्या है क्या
दोस्तों फाइनली अभी मैं पहुंच चुका हूं घर में और अभी टाइम देखो 5:16 हो रहे हैं। इसको देखो जब से आया हूं तब से रोने पे लगा है। जब भी बाहर जाता हूं इसकी हालत खराब हो जाती है, कहां गया ढूंढता रहता है। हां कोई तो चलिए ठीक ठाक मौसम हो रखा है फिलहाल। अभी थोड़ी देर पहले ऐसा लग रहा था कि बारिश होने वाली है, बट ना बारिश ने ना निखड़ी कर दी कब बस में भाई, बस में ना एक सामने बड़ी तेज बारिश लगी थी और उसके बाद वो पानी अंदर घुसा भाई, ठंड के मारे हालत खराब। हाँ भाई डर्रा बिया ले फटाफट है। बेंदे तुमरू क्या हाल है। हाल तो बढ़िया, यहाँ देखो सानू के है, सानू बढ़िया हाल है ना। ये तो भाई सुरु भाई आ चुके हैं, देखो रात भी लगभग हो चुकी है और आप जाके आ रहे हैं। ए यूं का देखने का ना बुकरा बोले रही हूँ ते लालो। क्या हाल है लालू? तो भाई इधर देखो इनके लिए मच्छर भगाओ यंत्र भी यूज किया गया है तन मार के। ये लो भाई दोस्तों यहाँ देखो यार बारिश पड़ रही है लगातार, बारिश बाकी कुछ नहीं है, ठीक ठाक बारिश पड़ रही है। बाकी अभी हम लोगों का खाना पीना हो गया है, टन मार के माने फटाफट से खाना बनाया और मैंने फटाफट से खा दिया। बाकी ना पता नहीं क्यों यार हेड पेन हो रहा है, सर दर्द हो रहा है बड़ा भयंकर, आज दिन से ही हो रहा है पता नहीं क्यों हो रहा है। चलो कोई बात नहीं, हो जाएगा, दवाई वगैरह खा लेंगे। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो को इतना ही रखते हैं, होप सो आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, दोस्तों के साथ रिश्तेदारों के साथ सबके साथ शेयर कर देना, और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ आप सभी को अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, टेक केयर।